बड़ी खबर उत्तराखंड से भी है, जहां पर बड़कोट में बड़ा हादसा टल गया। यहां पर भंडेली के पास पहाड़ी से सड़क पर एक बड़ा पत्थर गिर गया, जिससे रेलिंग क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं सड़क पर आवाजाही भी प्रभावित है। अच्छी बात यह रही कि बोल्डर गिरने के समय सड़क पर कोई मौजूद नहीं था। लोग जान जोखिम में डालकर प्रभावित क्षेत्र से आवाजाही कर रहे हैं। तो देखिए, हम सड़क की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, कितनी बड़ी चट्टान सड़क पर आकर गिर गई। गनीमत की बात यह रही कि उस वक्त यहां से कोई गुजर नहीं रहा था। उत्तराखंड के बड़कोट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भंडेली के पास पहाड़ी से सड़क पर एक बड़ा पत्थर आकर गिरा, जिससे रेलिंग क्षतिग्रस्त हो गई। सड़क पर आवाजाही पूरी तरीके से प्रभावित हो गई है, और जो लोग इस वक्त इस सड़क को पार कर रहे हैं, जान को जोखिम में डाल रहे हैं, क्योंकि बारिश के बाद जो उत्तराखंड के अलग अलग इलाके हैं, वहां पर इस तरीके की तस्वीरें आम हो जाती हैं। कहीं पर भूस्खलन होता है, कहीं पर बड़ी बड़ी चट्टानें सड़कों पर आ जाती है, और कई बार लोग हादसों का शिकार भी होते हैं, कईयों की जान चली जाती है। हालांकि ये जो तस्वीर हम बड़कोट की दिखा रहे हैं, यहाँ पर गनीमत की बात यही रही कि जिस वक्त ये बड़ी चट्टान सड़क पर आई, उस वक्त कोई गाड़ी यहाँ से नहीं गुजर रही थी, इसीलिए जानमाल का नुकसान तो नहीं हुआ। लेकिन अब बड़कोट की ये जो भंडेली रोड है, इस पर आवाजाही पूरी तरीके से प्रभावित हो गई है, और अब कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द सड़क से इस चट्टान को हटाया जाए। इस बड़ी चट्टान के गिरने के बाद रेलिंग टूट गई, रास्ता लगभग पूरी तरीके से बंद हो चुका है। और ये जो तस्वीर है, ये है उत्तराखंड के बड़कोट की, जहां पर अचानक से एक बड़ी चट्टान बीच सड़क पर आकर गिर गई, और ये जो हादसा हुआ है, ये है भंडेली के पास। तो पहाड़ से पत्थर गिरा, हालांकि बड़ा हादसा टल गया, और जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, बारिश के समय में इस तरीके की घटनाएं आम हो जाती हैं। उत्तराखंड से लगातार ये तस्वीरें आती हैं, ऐसे हादसों में कई लोगों की जान भी जा चुकी। हालांकि यहां पर जान माल का नुकसान नहीं हुआ, ये राहत की बात रही। लेकिन आप देखिए और अंदाज़ा लगाइए कि जितनी बड़ी चट्टान सड़क पर आकर गिरी है, अगर कोई व्यक्ति या कोई गाड़ी इसकी चपेट में आती, तो उसके बाद अंजाम कितना भयानक हो सकता था। तो पहाड़ी राज्यों में मॉनसून की जो बारिश है, उसने अपना कहर जारी रखा है। चाहे हिमाचल प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, गुजरात के पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें, पहाड़ी क्षेत्रों में मुश्किलें ज्यादा महसूस हो रही हैं। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।